सो गाइज, हम लोग फोन को तो अपडेट करते ही रहते हैं, लेकिन भैया इसमें बहुत समस्या होती है। कभी कभी भैया अपने आप अपडेट हो जाता है, अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है, इससे बैटरी फूक जाती है, नेट फूक जाता है, और हमको कभी कभी फोन के अपडेट्स नहीं मिल पाते, है ना। और कभी कभी कोई टॉकबैक की TTS की समस्या हो जाती है, फोन की समस्या हो जाती है अपडेट्स में, है ना। और भी, और हमको कभी कभी अपडेट्स जल्दी चाहिए होती है फोन के। तो ऐसी ही और भी बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई गई अपडेट से लेकर आपके फोन का जो अपडेटर है ना, उसमें ऐसी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो आप लोग यूज नहीं करते, बस फोन को अपडेट करते हो और बाहर आ जाते हो, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। तो क्या है ये, जो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है उसका सोल्यूशन भी है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, मजेदार है, एंड तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर दे यार। गाइज, आप आते हो ना, एक लाइक जरूर करके जाया करो, मतलब आपकी ताकत दिखाओ, व्यूज के बराबर लाइक हो सकते हैं, लोग देख सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, लाइक करो यार बराबर, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ओपन कर लेते हैं अपने फोन की सेटिंग्स को, ये सारे फीचर्स को देखने के लिए सेटिंग्स ओपन करेंगे। अब गाइस, यहाँ पर आपको अबाउट फोन में जाना है, या सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो वो वाले ऑप्शन में जाना है। अबाउट फोन में चलेंगे, MIUI वर्जन पे हमको ये देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब यहाँ पर आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट जनरली करते हो और कुछ भी नहीं करते हो, तो अब हम आपसे सब कुछ करवाएंगे यहाँ पर। गाइस, सबसे पहला व्हाट्स न्यू है, यहाँ पर आप व्हाट्स न्यू देख सकते हो। ये स्पेशली तब काम आता है जब कोई नया एंड्रॉइड वर्जन आता है, जैसे 11 से 12, और वैसे तो सिक्योरिटी पैच अगर आता है तो इतना काम का नहीं है, लेकिन आप व्हाट्स न्यू जरूर पढ़ लेना, क्या पता कुछ ऐसी हिडन चीजें हो जो आपको ना पता हो लेकिन आपके फोन में आई हो, चेक कर सकते हैं। मेन्यू में चलेंगे, इस वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला गाइस, डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज। गाइस, ये सिर्फ इतना ही करता है कि यहाँ पर आपका जो लेटेस्ट पैकेज है ना, चाहे वो सिक्योरिटी अपडेट हो चाहे वो नॉर्मल एंड्रॉइड वर्जन हो, उसको डाउनलोड कर देता है। यदि आपके फोन में डाउनलोड ना हो या प्रॉपर फाइल डाउनलोड ना हो, तब उसको डाउनलोड करके वापस से उसको अपडेट कर सकते हो, तो आपका वो वाला पैकेज उस पर अपडेट हो जाएगा, है ना। तो अब इसको आगे चलेंगे, बस इस पर क्लिक करते ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेटिंग्स, सेटिंग्स पर भी हम बाद में चलेंगे। व्हाट्स न्यू ये हम देख चुके हैं। मोर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके आधार पर ये टाइटल भी रखा गया है, इस पर चलते हैं। फीडबैक। गाइज, यहाँ पर आप अपडेट से संबंधित या इवन फोन से संबंधित आप कोई भी फीडबैक लिख सकते हो, साथ में आपके लॉग्स भी जाएंगे, स्क्रीनशॉट भी जाएगा, है ना। आपको या तो अगला एंड्रॉइड वर्जन नहीं मिल रहा है उसके लिए दे सकते हो फीडबैक, अगर आपको अपडेट नहीं आ रहे फोन में उसके लिए फीडबैक दे सकते हो। टॉकबैक, अगर आपका सही नहीं चल रहा है उसके लिए फीडबैक दे सकते हो। TTS में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है गाइज नेक्स्ट अपडेट में आपकी प्रॉब्लम सुनी जाए और सॉल्व की जाए, तो यहाँ से गाइज आप अपडेट दे सकते हो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लॉग्स के साथ, और सीधा आपकी प्रॉब्लम को कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपसे, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाएगा और सीधा ही जो है आपको अपडेट दे दिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी, है ना। तो बैक करेंगे हम यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेटिंग्स अब बचे, सेटिंग्स में हम चलेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखते हैं डाउनलोड्स। गाइज, यही पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, डाउनलोड ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों का ऑन पड़ा रहता है। अब गाइज, डाउनलोड ऑटोमेटिकली से होता क्या है, जब भी आप वाईफाई से अपना फोन कनेक्ट करोगे ना, आपका अगर फोन में कोई भी अपडेट आया होगा वो सीधे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब गाइज, यहाँ पर ये तो दिक्कत ठीक है, लेकिन दिक्कत भैया उन लोगों के साथ होती है, भैया आप किसी से हॉटस्पॉट मांगते हो, बेचारा बड़ा आपको दया आ गई आपके ऊपर, हॉटस्पॉट दे दिया, लेकिन बेचारे के पास खुद अनलिमिटेड नेट नहीं है, 2-4 GB मिलती है एक महीने के, फूक गई भैया उसकी तो नेट फूक गई, तो फिर वो क्या करेगा, जिंदगी में आपको हॉटस्पॉट नहीं देगा, एक तो ये नुकसान है। दूसरा, आप किसी वाईफाई से कभी भी कनेक्ट करते हो, उसका नेट तो खत्म होगा ही और आपकी बैटरी भी जल्दी खत्म होगी, अपने आप फोन हीट होता रहेगा, रिस्टार्ट होता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली अपडेट क्यों ऑन रखना है, आप खुद अपडेट करो जब आपकी इच्छा हो, जब आप चाहो, तो आप इसको ऑफ कर देना जिससे कि आपको कभी भी समस्या ना हो। तो आगे देखेंगे, अब गाइज ये मैंने आपको बताया वाईफाई के लिए, अब मोबाइल डेटा के लिए भी ऑप्शन आता है गाइज, आप इसको ऑन करके टाइम पीरियड सेट कर सकते हो जिससे कि आपका मोबाइल डेटा पर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अगर आप चाहते हो तो इनको ऑन रख सकते हो, ये एक फीचर है और ये एक स्मार्ट फीचर है,
क्या फायदे हैं इनके? अपने आप आपका अपडेट होता रहेगा, सिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी, रेगुलर अपडेट्स होते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं, अपडेट चेक नहीं करते भैया सालों तक, तो अपने आप होता रहेगा काम दोस्तों, स्मार्ट है ये। लेकिन बैटरी फूक सकती है, नेट फूक सकता है, फोन फूकेगा नहीं लेकिन गर्म हो सकता है। तो ये चीजें होती है, आप अपने हिसाब से देख लो, अपनी नीड के हिसाब से, अपने फोन के हिसाब से आपको करना क्या है। अब देखते हैं अपडेट्स वाले सेक्शन में क्या है। तो गाइज अब इसका मतलब क्या है? गाइज यहाँ पर अब हमने डाउनलोड तो देख लिया, लेकिन भैया इंस्टॉल भी तो होगी ना, डाउनलोड तो होगी, चलो नेट फूक गया। अब इंस्टॉल होने के लिए क्या होता है, आपका फोन अपने आप रिस्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पर गाइज आप सेट कर सकते हो कि क्या जब आप अपने फोन को यूज ना कर रहे हो, अब वो क्या समय होता है, रात का समय। तो दोस्तों रात आ गई है, रात आई, आपका डाउनलोड हो गया ऑटोमेटिकली नेट पे, किसी के फूक गया नेट, अब वो इंस्टॉल होगा आराम से, फोन रख दिया आपने साइड में, अब बस आपका फोन अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा और पूरा इंस्टॉल वो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि रात में आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए उस अपडेट पे, देखिए डाउनलोड से क्या होता है, डाउनलोड होती है सिर्फ और बस आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके आपका फोन रिस्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंस्टॉल भी अपने आप हो जाए रात को, लेकिन जब आप फोन यूज ना कर रहे हो ये तभी होगा, तो आप इसको भी ऑन रख सकते हो, तो रात ही रात में काम हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको भी देख सकते हो। अदर देखते हैं, अब गाइस ये भी बहुत अच्छा फीचर है, सुनने में पता लग रहा है कि यहाँ पर आप और लोगों से पहले, अर्लियर का मतलब है जल्दी आप अपडेट ले सकते हो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो। तो गाइस कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती, तो आप चाहो तो इसको ऑन रख सकते हो, वैसे ऑन ही रखना है ना, लेकिन हो सकता है बीटा टेस्टिंग के लिए आपको फिर अपडेट्स देखने को मिले, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो अगर आप एडवांस यूजर हो तो इसको ऑन रख सकते हो, बेसिक यूजर के लिए यूजफुल नहीं है। तो गाइज अपडेटर अगर आप बार बार भैया अबाउट फोन में जाके, इसमें जाके, उसमें जाके नहीं ढूंढना चाहते, सीधा सा एड टू होम स्क्रीन कर दो, अपडेटर आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा और सीधे आप वहीं से एक क्लिक में उसके अंदर जाके अपने फोन को अपडेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है। Stop recording. तो बस दोस्तों हमारी सेटिंग्स यही होती है खत्म, लेकिन ये जो फीचर्स मैंने आपको बताई ये बहुत यूजफुल है, आपको इनका यूज करना चाहिए, बहुत सारे फायदे आपके होने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मजा भी आ गया होगा, कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पे से जुड़ सकते हो, फीमेल्स अगर ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।